बिग बॉस के घर में नेहा भसीन की एंट्री हो चुकी है। नेहा भसीन ने आते साथ जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ओपिनियन जो है वो देना शुरू कर दिया है। सबसे पहले उन्होंने बात की उमर रियाज से और उमर रियाज को प्रतीक निशान से मिलने के बाद वो उमर के पास गई और कहा कि तू मेरे नाम का कुछ मजाक बना रहा था, प्रतीक से सवाल कर रहा था, मुझे पसंद नहीं आया, मेरे फैंस को पसंद नहीं आया, मेरे फैमिली को पसंद नहीं आया, लड़कियां खिलौना नहीं होती, अच्छे से बात किया करो, लेकिन मैं तुझसे एक बात कहूंगी, तेरे फैंस तुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे तेरा गेम बहुत पसंद है, बस थोड़ा सा और एग्रेसिव एक्टिव हो जा और थोड़ा सा जो है कॉन्ट्रीब्यूट कर, वरना मुझे तेरा गेम बहुत पसंद है। और तेरी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि तू कभी भी किसी की बिचिंग उसके पीठ पीछे नहीं करता है, तो तू दिल का बहुत साफ है। जिस पर उमर ने कहा कि मैं तो उस समय मजाक कर रहा था प्रतीक से, तो प्रतीक ने कहा उमर मैंने तुझे तब भी बोला था कि ये वाला मजाक मत कर। नेहा ने बोला मुझे मालूम है तू मजाक ही कर रहा था, लेकिन कई बार कुछ मजाक लोगों को पसंद नहीं आते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ ऐसे मजाक मत किया कर, वरना तू मुझे बहुत पसंद है, तेरा गेम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और तेरे फैंस जो है वो तो कमाल के हैं, तुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है बाहर। तो नेहा भसीन ने आते साथ जहाँ प्रतीक को पहले थोड़ा इग्नोर किया, निशान से खुलकर बात की, करण कुंद्रा से पूछा कि क्या मेरे आने से आप खुश नहीं है, वही उमर रियाज के पास वो खुद सामने से गई और उनके गेम की तारीफ भी की। और जिस मजाक को लेकर, मुझे अच्छे से याद है कि वो नेहा को लेकर जो है बाथरूम एरिया में लगे एरिया में मजाक कर रहे थे, जिसमें कह रहे थे मैं बताऊं ये क्या करता था उसके साथ, ये उसके साथ क्या करता था, और अब अकाशा को जो है वो कह रहे थे कि अकाशा तू थोड़ी दूर रहना, तो ये सारी चीजें जो है हंसी मजाक में चल रही थी। जो बात प्रतीक बार बार कह रहे थे कि चुप हो जा, उसी कॉन्वर्सेशन की ओर जो है नेहा इशारा करते हुए उमर को डांट लगाते हुए नजर आई, साथ में उनकी तारीफ भी की।